हेलो दिस इज विशाल एंड वेलकम टू द क्वालिफाइड विशाल। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बताओ आखिर स्कोर कार्ड कब तक रिलीज होगा, और 4 बज गए, 5 बज गए, 3 बज गए, 2 बज गए, पर अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया। तो मैं उन सभी लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा जो बार बार टेलीग्राम पे आके पूछ रहे हैं कि आप जवाब नहीं देते हो, केवल बोलते हो कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पर वहाँ पे हम कुछ भी पूछते हैं तो आप जवाब नहीं देते हो। तो मैं आप सभी लोग को एक बात कहना चाहूँगा, भाई बिना वजह किसी चीज़ का जवाब देने से क्या मतलब है। तुम सुबह से लेकर शाम हो गए तुम बार बार ये पूछ रहे हो कि कब तक रिलीज होगा, कब तक स्कोर कार्ड SSC जारी करेगा। तो क्या मैं SSC से डायरेक्टली मेरा रिलेशन है क्या कि मैं उनसे पूछ के बता दूँ? यार मुझे भी नहीं पता कब तक आएगा, पर ये तो कन्फर्म किया आज आ जाएगा। कब तक आएगा ये मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है। आपने देखा था कि जो 28 तारीख को फाइनल आंसर किया आया था वो 4 बजे रिलीज कर दिया गया था, यानी शाम को इसी टाइम रिलीज कर दिया गया था। पर आज जो आपका स्कोर कार्ड आना है वो फिलहाल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हो सकता है 6 बजे तक आ जाए, 6 बजे नहीं तो फिर आज 12 बजे से पहले तो आ ही जाएगा। कभी SSC क्या करता है, जो मैक्सिमम जो रिजल्ट जारी करता है ना वो शाम को या फिर रात में ही जारी करता है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या फिर 7 बजे शाम को ऐसे ही जारी करता है। मैक्सिमम जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम था वो 4 बजे के आसपास था, पर 4 बजे तक नहीं आया। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो, मैं कहाँ से बता दूंगा? मैं अभी कह दूँ कि आपसे 6 बजे आएगा तो 6 बजे आ जाएगा? हो सकता है 6 बजे आ भी जाए, हो सकता है 6 बजे ना भी आए। तो मैं बिना वजह किसी चीज़ का जवाब दे के क्यों फंसूँ? बार बार पूछ रहे हो कि भाई बताओ कब तक आएगा, भाई कैसे बता दूँ? फिर वही बात कह रहा हूँ, कैसे मैं बता दूंगा? तो आप लोग इंतजार करो, थोड़ा सा पेशेंट रखो यार। इतनी मैसेज आ रहे हैं ना टेलीग्राम पे कि क्या बताऊँ। अब तुम लोग ये भी फंसा भी देते हो कि भाई टेलीग्राम पे तो ज्वाइन करवा लिए, वहाँ पे रिप्लाई नहीं देते हो, तो क्या इस बात का क्या रिप्लाई दूँ? एक एक बंदे को चलूँ मैं बताऊँ कि भाई 6 बजे आएगा, भाई 8 बजे आएगा, भाई मिडनाइट तक आ जाएगा, यही सब करता फिर मैं, और मुझे कोई काम नहीं है। तो यार इंतजार करो, थोड़ा पेशेंट रखो। जैसे इतने दिन का सबर रखा भाई, एग्जाम दिया, तैयारी किया, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आया, तो थोड़ा सा और इंतजार करो ना। आज शाम तक तो क्लियर ही हो जाएगा कि तुम्हारे कितने नंबर ज्यादा हैं कट ऑफ से, या तुम्हारे नॉर्मलाइज में कितने नंबर बढ़े। बिना वजह परेशान होकर कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल रनिंग के लिए आया हूँ ग्राउंड पे, ठीक है? तो रनिंग के लिए आया हूँ तो अभी रनिंग जाऊँगा करने। आप लोग भी अच्छे से रनिंग की तैयारी करो, कितने भी नंबर ज्यादा हैं नो मैटर, ठीक है? कोई उससे मैटर नहीं होता है। आप अभी रनिंग की तैयारी करो जब तक कि आपका स्कोर नहीं पता चल जाता। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी कहूँगा, अगर आपके 1 या 2 नंबर भी ज़्यादा ना, फिर भी आप तैयारी करो, क्या पता फाइनल मेरिट कितनी बढ़े। क्योंकि पता है कि मेरिट कम पे गई है, तो हो सकता हो ये पूरे चांसेस है कि आपकी जो फाइनल मेरिट बढ़ेगी वो भी काफ़ी कम बढ़ेगी। पिछली बार 6-5 मत देखो, हो सकता हो इस बार 3-4 भी बढ़े, ठीक है? ये भी हो सकता है, इट मे बी एक्सपेक्टेड एंड आई होप सो। सो अपना इंतजार करो, ठीक है? 6 बजे तक इंतजार करो। 6 बजे तक नहीं आया तो भाई कन्फर्म है कि 8-9 बजे तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। 8 बजे तो मैक्सिमम, 8-9 बजे तक आ ही जाना चाहिए, ठीक है? तो वेट करो स्कोर कार्ड का, और बिना वजह कोई मैसेज ना करो। और हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के नीचे है। आज स्कोर कार्ड आने के बाद मैं कल की डेट में एक रनिंग के अलग से ग्रुप बनाने वाला हूँ। कम से कम वहाँ पे 500-1000 बच्चे तो इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे इसकी पूरी आशा है, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे ही जितने बच्चे आएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे शेयर करेंगे कि भाई रनिंग में हमें क्या दिक्कत आती है, हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, और कितने राउंड कैसे कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे कैसे हम चीज़ों को आगे लेकर जाएं। जब सारे बच्चे वहाँ पे शेयर करेंगे ना, तो मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे वहाँ जुड़े रहेंगे ना, सबको मदद मिलेगी इससे। क्योंकि जब सभी जगह से जब चीज़ें आएंगी ना खुल के, तो सारे लोग को वो काम करेंगी। तो ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना और शाम तक वेट करो, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।